पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के लैंड लूटर्स के आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो अपने कार्यालय के दौरान किसानों को जमीन का असली रेट दिया, जबकि भाजपा सरकार ने तो किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। हुड्डा शुक्रवार शाम को रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में भाजपा सरकार ने हरियाणा को पीछे धकेल दिया। आज तक मैं नहीं गया किसी के पत्रकार में, कॉर्पोरेशन में या कमेटी में, चीफ मिनिस्टर था जब भी नहीं गया, पार्टी से मलबल लड़ रही थी जब भी नहीं गया, एक बार लड़े 50 साल में सिर्फ एक जगह का, वहां भी नहीं गया। प्रत्याशी को लेके कहा गया कि छवि देख कर वोट दीजिए, प्रत्याशी को लेके कहा गया सीएम ने छवि देख के वोट दीजिए। तुम्हारा प्रत्याशी तो बहुत शरीफ आदमी है। नहीं नहीं, उसने कृषि मंत्री तो नाम लिया, अगला सट्टेबाज का नाम लिया। सट्टेबाज है बेचारा, कभी से फुलकर है सट्टेबाज, तो सारे उतरी हो रहे हैं भाई, सट्टेबाज तो मंत्री संतरी बन रहे हैं। इनका सब भाजपा तेज, वक्फ बोर्ड की जमीन खा अजम, इनका पत्थर अजम, यमुना का रेत अजम, गरीब आदमी दाल रोटी अजम, पॉपुलर दिल्ली भिजवा देंगे, पॉपुलर भी दिल्ली भिजवा देंगे, पॉपुलर को इनके इनके चारों तो भी अजम कर देंगे। 1400 रुपए रेट था, 200 रुपए भी क्या पॉपुलर का ना। हाँ फिर रोहतक से विकास ओहियान की रिपोर्ट। समय समय पर ताजी खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।